ससेवा की सफल है। ससेवा की सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जित सतगुर का मन मन्ने ससेवा की सफल है। ससेवा की जा सतगुर का मन मनिया, जा सतगुर का मन मनिया ता पाप कसमल बने। ता पाप कसमल बने ससेवा की सफल है। ससेवा की सफल है। जा सतगुर का मन मनिया, जा सतगुर का मन मने सेवा ओ प्रवान हुंदी है। जिस सेवा ते गुरु दा मन मन जावे, मन खुश हो जावे। कई वरी आपां लोग सेवा करदे हैं ते मन विच ये सोचदे हैं मैं सेवा कर रहे, बड़ी सोहनी सेवा कर रहे, पर की पता है साड़ी सेवा प्रवान होई के नहीं होई। जदू तक मन विच मान है कि मैं भेटा करदा, मैं दान देना, मैं सेवा करदा, मैं पाठ करदा, जदू तक मन विच मैं है उदू तक सेवा परवान ने। एक कारीगर सिख ने बड़ी सोहनी बड़ी मेहनत दे नाल एक टाल बनाई। इतनी मजबूत टाल बनाई कि कोई भी तलवार दा वार, गोली दा वार ढाल दे पार नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत नाल ढाल बना के एक कारीगर सिख धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दरबार पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा विच ढाल रखी ते हाथ जोड़ के बेनती की थी, पातशाह ए ढाल बड़ी मेहनत दे नाल आप वास्ते बना के लियाया, ए सेवा प्रवान करनी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस ढाल नू अपने हाथ विच फड़ लिया, उल्ट पुल्ट के देखिया ते साहब जी बड़े प्रसन्न होए। कहन लगे, हां सिखा तेरी ढाल बड़ी मजबूत है। इस तरह लगता है कि जिवें गोली तीर दा इस ढाल ते असर नहीं होवेगा। हुण भरी संगत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस सिख दी तारीफ कीती, सिफत कीती ते सिख दे मन विच माण आ गया कि भरी संगत विच गुरु साहिब जी आप मेरी वड्याई कर रहे ने। मन विच हंकार आ गया, मान आ गया। कहन लगा, हां महाराज, ए ढाल मैं इन्नी मजबूत बनाई है, अगर तुसी भी गोली मारो इस ढाल दे पार नहीं होवेगी। जदू सिख ने ए हंकार वाली गल कीती ते बाणी कहिंदी है, हर जियो हंकार ना पावे। उस परमेश्वर नू गुरु नू हंकार चंगा नहीं लगता। फिर गुरु ओ जेड़ा मन विच हंकार ना रहन देवे,
साहब जी कहन लगे अच्छा असी भी गोली मारिए ढाल दे पार नहीं होवेगी। कहन लगा हां महाराज मैं बड़ी मजबूत बनाई। साहब जी हस पे कहन लगे ठीक है सिखा इस ढाल नू ले जा इनू होर मजबूत बना कल असी गोली चला के देखांगे कि साड़ी गोली इस ढाल दे पार होंदी है कि नहीं होंदी। जदों गुरु साहब ने यह गल कही तो सिख का मन कंब गया। हुण होश आई कि मना तू की कह बैठे गुरु साहब तो बड़े बहादुर ने फिर जो चाहन वो कर सकते ने ए मैं की कह बैठा। मथा टेकया ढाल चुक के वापस मुड़ पिया। संगत भी बड़ी हैरान हुई एक ही कौतुक वरत रहे है कि गुरु साहब जी कल सचमुच निशाना लेंगे। तो गुरु साहब ने गोली चलाई ये कदी नहीं हो सकता कि ढाल दे पार ना होवे ते ढाल भी सिख ने फड़ के खलोना है। साहबां ने गोली चलानी है ढाल दे पार होनी है ते कुदरती गल है ढाल वाले सिख दे भी लगेगी ते की सिख भी शहीद हो जाएगा। तरह तरह के ख्याल संगत दे मन विच आ रहे ने। उधरो सिख दुखी मन दे नाल घर जा पहुंचे है। ससेवा कीती सफल है ससेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने जित सतगुर का मन मने ससेवा कीती सफल है ससेवा कीती सफल है। जा सतगुर का मन मनिया ए सिख ढाल लैके जदू घर पहुंचे इस दी घरवाली ने कहा की गल है ढाल वापस लेके आ गए गुरु ने सेवा परवान नहीं की थी। गुरु दा मन साड़ी सेवा ते प्रसन्न नहीं होया। सिख दी अखां जथरू आ गए कहन लगा भागा वालिए गुरु दा मन ते मन गया सी सेवा भी प्रवान हो गई सी पर मैं ही गुरु दा मन मन्या होया फिर नाराज कर आया। घरवाली कहन लगी गुरु दा मन मन गया ता फिर नाराज गुरु नू कर दिता है। सिख कहन लगा हां जदों गुरु साहब ने मेरी ढाल दी सिफत कीती ते मेरे मन विच हंकार आ गया ते मैं गुरु साहब नू भी कह दिता कि महाराज जे तुसी भी गोली चलाओ ते मेरी ढाल दे पार नहीं हो सकती। ते गुरु साहबां ने कह दिता है चंगा सिखा ढाल नू होर मजबूत बना कल लैके आई असी गोली चला के देखांगे। घरवाली ने कहा तुसा बहुत माड़ा कीता है लोक तरस देने के गुरु दा मन मने गुरु दी खुशी सानू मिले साडे पापां दा वहमां दा नाश हो जाए तुसा बहुत माड़ा कीता हंकार करके। सिख कहन लगा भलीए लोके हुण की कीता जाए गुरु साहब ने कल गोली चलानी है ते ओह गोली ढाल दे पार जरूर होवेगी साडी इज्जत साडा मान खत्म हो जाएगा। सिख दी घरवाली बड़ी भरोसे वाली सी कहन लगी घबराओ ना गुरु बख्शन वाला है जिस गुरु ने
गोली दा निशाना लाना है। आओ उसे गुरु दे अगे अरदास करिए कि पातशाह तेरी गोली साड़ी टाल दे पार ना होवे। कड़ा प्रशाद तैयार कीता, दोनों जिया ने गल विच पल्ला पा लिया ते हाथ जोड़ के बेनती करन लग पे, ऐ कलगीधर पिता तेरे अगे ही अरदास है कि तेरी गोली साड़ी टाल दे पार ना होवे। कैसी अरदास है? कि जिस गुरु ने निशाना लेना उसे अगे अरदास कि पातशाह तेरी गोली टाल दे पार ना होवे। जा सतगुर का मन मनिया, जा सतगुर का मन मनिया ता पाप कसमल पन्ने। ता पाप कसमल पन्ने सा सेवा कीते सफल है, सा सेवा कीते सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जित सतगुर का मन मन्ने सा सेवा कीते सफल है, सा सेवा कीते सफल है। जा सतगुर का मन मनिया। ए दोनों पति पत्नी सतगुरु दा मन मनान वास्ते अरदासां पै करदे, सारी रात अरदासां करदिआं बीत गए, दिन चढ़िआ। ए गुरसिख अपनी घरवाली दे नाल ढाल लै के गुरु दरबार वल तुर पे, पर हुण मन विच हंकार नहीं निम्रता है। अगे बहुत संगत खलोती एक नवा कौतुक देखण वास्ते कि देखो गुरु जितद कि सिख जितद, गुरु हारद कि सिख हारद। संगत ये सोच के खलोती ते सिख जिहड़ा घरवाली दे नाल अरदासां करदा होया गुरु दरबार जा पहुंचे। मैदान दे विच ए सिख ढाल लै के खड़ा हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज घोड़े ते सवार ने, हाथ विच बंदूक फड़ी है ते मैदान दे विच आ पहुंचे। मैदान विच पहुंच के सिख वल देखिया, सिख ने हाथ जोड़े कलगीधर पातशाह नूं नमस्कार कीती ते दोनों हाथां नाल ढाल फड़ के अखां बंद करके खड़ा हो गया। सिख दी घरवाली पिछे संगत दे विच अखां बंद करके गल विच पल्ला पा के अरदास पे करदी, ऐ कलगीधर पिता मेरे पति दी लाज रखी तेरी गोली ढाल दे पार ना होवे। उधर साहबां ने निशाना लिया, बंदूक वाल हाथ उत्ते कीता, गोली चलान लगे ने। उधर सिख अखां बंद ने ते अरदास की करदा है, प्रिथम पगौती सिमर के गुरु नानक लई त्याय, फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय, अर्जुन हरि को पिंदिनो सिमरो श्री हर राय, श्री हरि कृष्ण ते आइए
जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए करनौ नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। जान सतगुर का मन मनिया, जान सतगुर का मन मनिया। शेख अरदास प्या कर दे, प्रथम भगौती सिमर के गुरु नानक लही त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे हूं सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए करुणावनी दयावे ताए, सब ते हूं सहाय। अरदास कीती कलगी तर पातशाह ने निशाना लिया, गोली चलान लगे ते साहब जी की देखते ने, उस ढाल से धन गुरु नानक साहब की तस्वीर नजर आई, हाथ थले आ गया। कलगी तर पातशाह ने दोबारा फिर निशाना लेना चाहिया, ता साहब जी की देखते ने, उस ढाल से धन गुरु नानक साहब, दूसरे गुरु गुरु अंगद साहब, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, पंजवें गुरु गुरु अर्जुन साहब, छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब, सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब, अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब, ते नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब। नौ पातशाहियां दी झलक उस ढाल ते नजर आई, हाथ थले आ गए। संगत बड़ी हैरान, साहबा ने दो वरी निशाना लेना चाहिया, दोनों वरी हाथ थले कर ले। हुण साहबा ने तीसरी वरी निशाना लिया ते सिख हुण दसवीं पातशाही तक पहुंचिया, कहिंदा तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह, तेरे अगे ही अरदास है, मेरी लाज तू रखनी है। ऐ पातशाह तेरी गोली मेरी ढाल दे पार ना हो, अपने सिख दी लाज तू रखनी है। ते साहबा ने तीसरी वारी निशाना लिया, गोली चलान लगे, हुण अपनी तस्वीर भी ढाल ते नजर आई, साहबा दे हत्थ थले आ गए। घोड़े तो उतरे, बंदूक एक सिख नूं फड़ा दित्ती, अखां विच प्यार हौली हौली तुरदे, चेहरे ते मुस्कुराहट है उस सिख दे, जा पास खलोते सिख वाल देखिया, दोनों हाथां विच ढाल, अखां बंद, हाले भी अरदास पिया करदे। ते साहिबां ने सिख दा मोढा फड़ के हिलाया, आख्या सिखा अखां खोल, भाई तू जित गया मैं हार गया। सिख ने चरना ते मथा टेकिया, साहबा ने सिख नूं गल ना लगा लिया, ते कहन लगे सिखा सचमुच तेरी ढाल बड़ी मजबूत है, जिदे सिर ते गुरु नानक दा हत्थ होवे ओदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। सिखा सचमुच तेरी ढाल बड़ी मजबूत है, तू सच कहिंदा सी, तेरी ढाल ते मैं भी निशाना नहीं लै सकदा। सारी संगत जय जयकार करन लग पई, कैसा गुरु, गुरु ने अपने आप नूं नीवा रख लिया पर अपने सिख नूं
नीवा ना होन दिता जिन्हें अरदास की थी। ये अरदास की शक्ति है कि जदू को मन करके अरदास करता है गुरु प्रवान करता है पावे गुरु नू आप क्यों ना नीवा होना पवे। हुण सिख ने गुरु नू मना लिया गुरु दा मन मन गया सेवा सफली हो गई ते पापां दा भी नास हो गया। जा सतगुर का मन मनिया जा सतगुर का मन मनिया ता पाप कसा मल बने। पाप कसा मल बने सेवा की सफल है सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने जित सतगुर का मन मने सेवा की सफल है सेवा की सफल जिन सतगुर का पाणा मनिया जिन सतगुर का पाणा मनिया तिन चरणी चवा कण बने। जिन सतगुर का पाणा मने जिन्ने गुरु दा हुक्म मन ले सेवा तो दी प्रवान ते जेड़ा पाणा ना मने उदी सेवा प्रवान नहीं होती। एक वरी गोविंदवाल साहब तीसरे गुरु तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जिन्ना दे दो जवाई सन एक रामा जी ते एक जिन्ना नु आपा धन गुरु रामदास कहने। गुरु अमरदास ने दोनों जवाइयां नू रामा जी ते गुरु रामदास नू ए हुकम कीता के थड़े बनाओ बनाना भी सोने जड़े सानू पसंद आ जाए क्योंकि गुरु अमरदास ने गुरगद्दी देनी सी ते सोचिया ए गुरगद्दी ओनू देनी है जिहड़ा हुक्म मनदा है ते जिहदे मन विच सेवा है सिमरन है। गुरु रामदास तेरा मां जी थड़े बनान लग पे सारा दिन ला के थड़े बनाए शाम पई गुरु अमरदास पातशाह आए थड़े वाकई बड़े सोहने बने सन पर दोनों थड़िया नू देख के गुरु अमरदास ने कहा थड़े चंगे नहीं बने इन्हां नू ढा के दोबारा बनाओ। सत बचन कहा थड़े ढा दिते अगले दिन सारा दिन ला के फिर थड़े बनाए शाम नू गुरु साहब फिर आए ते फिर यही कह दिता थड़े पसंद नहीं आए। तीसरे दिन फिर गुरु रामदास ते रामा जी ने बड़ी मेहनत दे नाल थड़े बनाए शाम नू धन गुरु अमरदास फिर आए थड़िया वाल देखिया ते कहन लगे थड़े पसंद नहीं आए चंगे नहीं बने। जदू गुरु अमरदास ने यह गल कही ते रामा जी नू गुस्सा चढ़ गया गुस्से च कहन लगे महाराज असी ते बड़ी मेहनत नाल थड़े बनाए ने तुहानू पता नहीं क्यों नहीं पसंद आंदे तुहाड़ी उम्र वडेरी हो गई है चंगियां चीजां भी तुहानू चंगियां नहीं लगदियां मैं ते होर नहीं बना सकदा जिहो जे बना सकदा सां ओहो जे बना दिते। रामा जी ने जवाब दे दिता ते धन गुरु रामदास दोनों हाथ जोड़ ले ते गुरु अमरदास जी ने मत्था टेक के कहन लगे पातशाह मेरी मत थोड़ी अकल नहीं
पातशाह जिस तरह आप चाहते हो मैं सेवा नहीं कर सके, खिमा करनी, कृपा करो, जिस तरह हुक्म करो वैसा थोड़ा फिर बना देना। धन गुरु अमरदास, लैणा मार गए छड़ी दे नाल, लैणा मार के आप चले गए ते गुरु रामदास उन्हां पाईयां होईयां लीकां ते लैणा ते फिर थड़ा बनान लग पे, थड़ा बन गए। गुरु अमरदास वापस आए ते गुरु रामदास हाथ जोड़ के कहंदे ने पातशाह थड़ा तैयार है, ते गुरु साहब जी कहन लगे रामदास थड़े ता पहला भी तैयार सन, थड़े ता पहला भी सोने सन, पर असी ये देख रहे सा कि भाणे विच कौन चलदा है, हुक्म कौन मनदा है। जिहड़ा सतगुरु दा भाणा मन लवे ओदी सेवा परवान हुंदी है। रामदास तेरी सेवा परवान, ते सेवा ते दयाल होके गुरु अमरदास ने रामदास नूं गुरु गद्दी दे के ते गुरु रामदास बना दिता, क्योंकि भाणा जी मनिया। जिन सतगुर का भाणा मनिया, जिन सतगुर का भाणा मनिया, तिन चढ़ी चवकण वन्ने। सिख धर्म च सेवा नूं महानता दिती, सेवा सिमरन, ते जिहड़े सेवा करदे ने गुरु की खुशी प्राप्त करदे। उस समय भी सिख सेवा करदे सन, अज दे दौर विच भी सिख संगतां सेवा करदियां। जिथे भी महापुरश सेवा करदे ने संगतां सुनना चाहदी माया इन्हां दे ढेर ला दिंदियां ने, आप टोकरी ढोंदे। कई जगह सेवा हो रही है, सेवा कराने वाले महापुरुष अपना जीवन सेवा दे लेखे ला के सेवा करा रहे, जिस तरह बाबा खड़क सिंह जी, बाबा दर्शन सिंह जी, अते बाबा करनैल सिंह जी, बाबा फौजा सिंह जी, बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा अमरीक सिंह जी, जिन्हां अमृतसर शहीद गंज की सेवा कराई। ए बाबे जगह जगह गुरुद्वारियां दी सेवा करा रहे ने, किथे पंजाब, किथे हिंदुस्तान दा कोना, जिथे भी गुरु साहिबां चरण पाए ने इन्हां महापुरशां ने अपना तन मन सेवा दे लेखे ला दिता है। तां ते भाई आओ आपां भी सेवा करिए, ए सेवा मन विचों मान कढ के, मन विच हंकार नहीं लियाना, ता सेवा साड़ी प्रवान होगी। जब सेवा प्रवान हो गई फिर साड़े दुखां कलेशां दा आपे नाश हो जाएगा। ससेवा कीती सफल है, ससेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जित सतगुर का मन मन्ने, सेवा कीती सफल है, सेवा कीती सफल है। अनेका महापुरुष जिन्हां दे नाम लए ने, इन्हां तों भी अनेका महापुरुष अपना जीवन सेवा दे लेखे ला रहे ने, इस वास्ते के दुनिया दे लोग सेवा सिमरन करन, पापां तों विकारां तों बच के अपना जीवन सफला कर सकन। ससेवा कीती सफल है, ससेवा कीती सफल है, ससेवा कीती सफल है।